हेलो दोस्तों, सबसे पहले चलेंगे गैलरी में। गैलरी में जाने के बाद आप ये फ़ोटो देख सकते हो दोस्तों कैसी है। इसको हम स्मूथ करेंगे, इसके जो ये दाग धब्बे आप देख रहे हो इनको क्लीन करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आप देख ही सकते हो फ़ोटो कैसी लग रही है। अब इसे हम शेयर करेंगे दोस्तों, शेयर करेंगे आर्ट स्केच बुक में। वहाँ पर ऐसी ट्रिक बताऊँगा दोस्तों कि आप बहुत आसानी से फ़ोटो एडिटिंग कर लोगे। तो दोस्तों हम चलते हैं आर्ट स्केच बुक में। आर्ट स्केच बुक में जाने के बाद दोस्तों हम आ चुके हैं दोस्तों आर्ट स्केच बुक में। आप फोटो को सबसे पहले दोस्तों हम चलेंगे टूल्स में। टूल्स में चलेंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। टूल्स में जाने के बाद दोस्तों सबसे पहले नीचे चलेंगे। नीचे से थोड़ा ऊपर करने के बाद दोस्तों हमको इसमें से ये दो नंबर का ब्रश सिलेक्ट करना है दोस्तों, और इसकी सेटिंग इसका फॉलो 7 रखना है, और स्ट्रेंथ इसको भी 7 रखना है दोस्तों। उसके बाद साइज अपने मुताबिक ज़्यादा कम कर लेना, ठीक है दोस्तों। अभी मैं इसको जूम करके आराम से धीरे धीरे हाथ चला लेता हूँ दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब भी ऐसे आराम से धीरे धीरे चला लेना कोने कोने में दोस्तों, अच्छे से चला लेना इसको, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से चला लेना, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं हो। इसके लिए मैं थोड़ा वीडियो की स्पीड बढ़ा देता हूँ दोस्तों। और उससे पहले दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ऑन करना, और दोस्तों ऐसे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है दोस्तों। मैं जल्दी से कर लेता हूँ, आप आराम से करना। ठीक है दोस्तों, तो फ़ोटो हमारी स्मूथ हो चुकी है, अब देख सकते हो बहुत अच्छे से हुई है। अब हम इसे ले जाएंगे आर्ट स्केच बुक में। यहाँ से क्लिक करने के बाद दोस्तों हम इस पर क्लिक करेंगे। शेयर पर क्लिक करने के बाद दोस्तों ऑथर्स पर क्लिक करेंगे और इसको शेयर करके ले जाएंगे। तो हमको चलना है लाइट रूम में, ठीक है दोस्तों। लाइट रूम पर क्लिक करेंगे। लाइट रूम पर क्लिक करने के बाद दोस्तों ऊपर से नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ लाइटरूम का नाम आएगा, उस पर क्लिक कर लेना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आ चुका है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हम सीधा लाइटरूम में पहुँच जाएंगे दोस्तों। टैप करेंगे जो कि हमारी फ़ोटो आ चुकी है दोस्तों। बाकी दोस्तों यहाँ से आप हमको सबसे पहले इस लाइटिंग में आना है दोस्तों। लाइटिंग में आने के बाद कंट्रास्ट माइनस करना है 12, हाईलाइट बढ़ाएंगे दोस्तों 28, शेडो बढ़ाएंगे दोस्तों 36, और इसका वाइटनेस थोड़ा कम करेंगे 12, और ब्लैक को भी कम करेंगे दोस्तों -9। उसके बाद कलर्स में चलेंगे दोस्तों। कलर्स में आने के बाद दोस्तों हम चलेंगे मिक्स में। मिक्स में जाने के बाद दोस्तों सबसे पहले हम कलर चूज़ करेंगे ऑरेंज टेल वाला। उसके बाद इसका सेचुरेशन हम माइनस की ओर ले जाएंगे, -28, और इसका ल्यूमिनेंस हम +43, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम ग्रीन कलर सिलेक्ट करेंगे और ग्रीन कलर का सेचुरेशन प्लस में बढ़ाएंगे, और दोस्तों उसका ह्यू -100 और सेचुरेशन +100, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम येलो कलर सिलेक्ट करेंगे और इसका ह्यू +10, और दोस्तों
उसके बाद इसका सेचुरेशन हम -25 करेंगे दोस्तों फिर, और उसका ल्यूमिनेंस -26। फिर दोस्तों यहाँ से हम ब्लू कलर सिलेक्ट करेंगे, ब्लू कलर को प्लस में ले जाएंगे और +50 44। उसके बाद उसका ह्यू माइनस में ले जाएंगे, -16। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ से कर लेंगे डन। डन करने के बाद दोस्तों यहाँ से हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे 7। करने के बाद इसका हम बढ़ाएंगे वाइब्रेंस, इसका वाइब्रेंस +25। ठीक है दोस्तों, फिर दोस्तों हम चलेंगे विगनेट में। विगनेट में जाने के बाद दोस्तों सबसे पहले इसकी क्लियरिटी को हम बढ़ाएंगे दोस्तों, क्लियरिटी 11। उसके बाद इसका विगनेट कम करेंगे दोस्तों, इसका विगनेट हम 17 रखेंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप फोटो देख ही सकते हो कैसी लग रही है, अमेजिंग बिफोर आफ्टर, बहुत ही अच्छी लग रही है दोस्तों। फेस स्मूथ हो चुका है, बहुत बढ़िया। अब इसमें हम थोड़ी शार्पनिंग डालेंगे दोस्तों। शार्पनिंग डालने के लिए सबसे पहले हमको जाना पड़ेगा ये ट्राइंगल शेप में, इसमें जाने के बाद शार्पनिंग बढ़ा देंगे दोस्तों, जिससे फ़ोटो बहुत अच्छी लगेगी। नॉइस रिडक्शन बढ़ा देंगे, अपने मुताबिक से बढ़ा लेना दोस्तों ये। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ से करेंगे डन। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम शेयर पे क्लिक करेंगे, उसके बाद दोस्तों सेव टू डिवाइस। ठीक है, फ़ोटो हमारी सेव हो चुकी है।